तो हेलो गाइज वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू कैसे हैं आप आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड आपकी प्रपेशन जो है अच्छे से चल रही होगी ओके okay, सो so थोड़ा सा वेट करेंगे गुड इवनिंग जी गुड इवनिंग विशाल वालिया जी विक्की जी रितुल अखिल तो लोग जी थैंक यू फॉर लाइकिंग द वीडियो गुड इवनिंग विशाल राजीव हीरा सिंह जी संजू वर्तिका गुड इवनिंग जी गुड इवनिंग Uh, अतुल जी गुड इवनिंग शनाया संजू जी गुड इवनिंग हेलो हाय तो थोड़ा सा वेट करेंगे बाकी स्टूडेंट ज्वाइन कर लें ठीक है फिर हम स्टार्ट करेंगे गुड इवनिंग जी गुड इवनिंग नवीन हाय नेचर लवर हीरा सिंह गुड इवनिंग जी गुड इवनिंग एग्जाम जो है अब कुछ बोल नहीं सकते शायद फरवरी में फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम हो जाए ठीक है तो तैयारी नहीं छोड़नी है तैयारी करते रहिए अब आपने प्रैक्टिस करनी है तैयारी आपकी जो है हो चुकी होगी आई होप एंड अब जो है आपने क्या करना है प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चंस तो उसी जो है मकसद से हम जो है डेली वीडियो सात बजे लेते हैं और हम प्रैक्टिस करेंगे एग्जामिनेशन गुड इवनिंग वंदना गुड इवनिंग सुनील जी गुड इवनिंग गेमर भूपेंद्र जी गुड इवनिंग ठीक है 817 भी जो है दिया गया था उनके द्वारा अभी जांच चल रही है ये जांच का विषय है अब बाद में देखेंगे इसको हम ठीक है तो अभी हम पढ़ेंगे उपासना कमल मीनाक्षी गुड इवनिंग सभी को चलिए दोस्तों स्टार्ट कर देते हैं लेक्चर आज का और आज फिर से हम जो है प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि ऑलरेडी आज आपके जो एच पी एग्जाम्स में हैं पूछे जा चुके हैं राइट सो so, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं गुड इवनिंग आशीष गुड इवनिंग कमल ओके चलो फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे और आंसर लगाने की कोशिश करनी है आज नमन जी आपके जो क्वेश्चन होंगे मैक्सिमम वो आपके प्रिंटर के आपको देखने को मिलेंगे और कुछ मिसलिनियस क्वेश्चन है तो पहले सिंपल सा क्वेश्चन है फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी इसका आंसर आपने जल्दी से लगाना है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है किसके द्वारा इन्वेंट करी गई थी ओके बोथ बी बी बिल गेट्स ए एंड बी आंसर बता रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स बिल गेट्स एंड पॉल एलन राइट सो मैक्सिमम स्टूडेंट का आंसर बिल्कुल सही है राइट सो पॉल एलन एंड बिल गेट्स के द्वारा जो है ये दोनों जो है कि यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और पॉल एलन की जो है मृत्यु हो गई थी उसी दौरान और इसलिए जो है हम बिल गेट्स को मानते हैं लेकिन यहाँ पे बहुत ए एंड बी दिया गया है तो वो हमारा आंसर जो है ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा ध्यान रखिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा पॉल एलन और बिल गेट्स ने मिलकर जो है 1975 के अराउंड जो है <clears throat> इसकी स्थापना रखी थी कंपनी की राइट इज थर्टी नाइन स्टूडेंट ज्वाइन किए हैं सेवेंटीन लाइक्स हैं तो थोड़ा लेजी लगते हो तुम लोग मुझे ठीक है चलिए सपोर्ट के लिए जो है वीडियो को एटलीस्ट लाइक जरूर कर दीजिए करिए आप ठीक है चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इज ए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है डॉस के ऊपर मतलब बेस्ड है या फिर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के ऊपर बेस्ड है यूनिक्स के ऊपर बेस्ड है या फिर एक इनमें से कोई नहीं नन ऑफ द हाँ बिल्कुल लाइक like ठोक दो यार बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आप लोगों को लाइक like करोगे तो मैं डेली बेसिस पे वीडियो लेके आऊंगा और जो भी प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और मैक्सिमम स्टूडेंट का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है गुड सही आंसर है जी ओ आई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है ये ठीक है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है सभी को पता है आईकन्स वगैरह जो है आपको यहां पे देखने को मिलते हैं राइट right? कोई इसके अलावा सीएमडी भी है इसमें वैसे आप यूज कर सकते हैं कमांड लाइन इंटरफेस को भी लेकिन बेसिकली ये हमारा जी बेस्ड है चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे अ मेन्यू इन एमएस विंडोज कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ जो मेन्यू होता है एमएस विंडोज के अंदर तो इसमें किसकी लिस्ट होती है एमएस विंडोज में मेन्यू में क्या चीजें पाई जाती हैं कमांड्स पाई जाती हैं डेटा पाया जाता है ऑब्जेक्ट्स या फिर रिपोर्ट्स। जल्दी से आंसर लगाने की कोशिश करिए आप ओके okay, आंसर आना स्टार्ट हो गए हैं कमांड पे कमांड ओके वेरी गुड आंसर सभी का सही है दैट इज कमांड्स ठीक है मेन्यू जो होता है उसमें कमांड्स लिस्ट ऑफ कमांड्स आपको देखने को मिलती हैं तो हमारा आंसर जो है फर्स्ट सही आंसर हो जाएगा ऑब्जेक्ट नहीं होगा ऑब्जेक्ट नहीं होगा कमांड्स के ऊपर चलिए अगला क्वेश्चन देखो व्हाट इज विंडोज एक्सप्लोरर विंडोज एक्सप्लोरर क्या है एक ड्राइव है वेब ब्राउजर है या एक नेटवर्क है या फिर एक फाइल मैनेजर है विंडोज एक्सप्लोरर आप विंडोज चलाते हो तो विंडोज एक्सप्लोरर आपने वहां पे देखा होगा तो विंडोज एक्सप्लोरर क्या चीज है वो आपको बताना है जल्दी से आंसर देने की कोशिश करेंगे यहां पे ड्राइव है वेब ब्राउजर है नेटवर्क है या फिर फाइल मैनेजर है विंडोज एक्सप्लोरर ध्यान से पढ़िएगा एक्सप्लोरर की बात हो रही है विंडोज एक्सप्लोरर इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है कुछ ब्राउजर यहां पे बता रहे हैं ब्राउजर नहीं होगा इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है तभी मैंने बोला आपको ध्यान से पढ़िए इसको विंडोज एक्सप्लोरर की बात हो रही है वेरी गुड मैक्सिमम स्टूडेंट का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है दैट इज फाइल मैनेजर ठीक है क्या है एक ये एक फाइल मैनेजर है ध्यान रखिएगा इंटरनेट एक्सप्लोरर की बात नहीं हो रही है वो एक वेब ब्राउजर है राइट right? हीरा जी हाँ मैं ग्रुप आज ही बना देता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप बनाता हूँ क्योंकि मेरा जो टेलीग्राम जो चैनल था सक्सेस एजुकेटर के नाम से वो एक्चुअली मेरा मोबाइल नंबर चल नहीं रहा है वहाँ पे वो भी बैन हो चुका है आई डोंट नो वाई क्यों जो है वो बैन किया गया है आई थिंक वो मलिशियस सॉफ्टवेयर की वजह से जो है वो हाईजैक हो गया था वो भी तो अभी मैं जो है आज व्हाट्सएप ग्रुप बना दूँगा तो उसमें जो है मैं आपको पी वगैरह शेयर कर दूँगा या फिर एक और टेलीग्राम चैनल बनाना पड़ेगा उसके लिए ठीक है तो मैं आपको इस वीडियो के बाद जो है बता दूंगा ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं डॉट तो, की जो फाइल होती हैं वो किस में बनाई जा सकती हैं नोट पैड में एमएस वर्ड के अंदर या फिर वर्ड पैड के अंदर या फिर ऑल ऑफ दीस डॉट टीएक्स टी फाइल्स डॉट टी एक्स टी फाइल्स जो है कहां पे बनाई जा सकती हैं नोट पैड एमएस वर्ड वर्ड पैड या फिर ऑल ऑफ दिस जल्दी से आंसर नोट पैड नोटपैड नोटपैड ओके ऑल ऑफ द वर्ब भी आ रहा है कुछ वर्ड पैड भी बता रहे हैं मिक्स आंसर आ रहे हैं लेकिन आ, हाँ जी तो राइट right आंसर जो होगा जो ऑल वाले हैं वो बिल्कुल सही हैं इन सभी की जो सॉफ्टवेयर हैं या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो इन सब में ही आप जो है डॉट टी एक्स टी फाइल्स को बना सकते हैं ओके टेक्स्ट फाइल इसको जो है हम बोलते हैं टेक्स्ट फाइल जो है आप वर्ड में भी बना सकते हैं याद रखिएगा वर्ड नोट पैड एंड वर्ड पैड के अंदर नोट पैड तो खैर साथ में ही आपका आता है जब आप विंडोज को इंस्टॉल करते हो राइट right? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे विच ऑफ नॉट ए टाइप ऑफ फोल्डर व्यू फोल्डर का व्यू नहीं है इसमें से नॉट पूछा गया है ध्यान से क्वेश्चन रीड करना है उसके बाद आंसर दीजिए फोल्डर व्यू पूछा गया है वो जो नहीं है टाइल्स कैसकेट्स थंबनेल्स डिटेल्स इनमें से कौन सा जो है आपका फोल्डर व्यू नहीं है आंसर देने की जल्दी से कोशिश करेंगे यहां पे। टाइल्स कैसकेट्स थंबनेल्स और डिटेल्स ओके हाँ आंसर आना स्टार्ट हो गए हैं कैसकेड थंबनेल ने मैक्सिमम स्टूडेंट बता रहे हैं डिटेल्स भी कुछ बीच में आंसर आ रहा है ओके तो दोस्तों राइट आंसर जो है वो होगा आपका कैसकेड कैसकेड नाम का कोई भी फोल्डर व्यू नहीं होता इसके अलावा टाइल्स थंबनेल्स और डिटेल्स जो हैं ये सारे फोल्डर व्यूज हैं याद रखिए कैसकेड एक जो है आपका व्यू नहीं है राइट गुड मैक्सिमम स्टूडेंट का आंसर बिल्कुल सही है बी ऑप्शन कैसकेड ठीक है जी चलो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे चलो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्पेशल प्रोग्राम इन एम एस ऑफिस इनमें से जो है कौन सा एक स्पेशल प्रोग्राम नहीं है एमएस ऑफिस के अंदर नॉट पूछा गया है ऑफिस आर्ट क्लिप आर्ट वर्ड आर्ट या फिर पेंट आर्ट एम एस ऑफिस के अंदर यह एक स्पेशल प्रोग्राम नहीं है ये एमएस ऑफिस के अंदर नहीं पाया जाता ऑफिस आर्ट क्लिप आर्ट वर्ड आर्ट या फिर पेंट आर्ट रितुल का आंसर आया सबसे पहले दैट इज ऑफिस आर्ट मोहित डी ऑप्शन हीरा का भी फोर्थ ऑप्शन है तान्या पेंट आर्ट बता रही हैं वॉलिया जी ऑप्शन ए नवीन ए ऑप्शन राजीव अखिल तनु कल्पना कार्तिक मीनाक्षी प्रिया कमल भावना नवीन पेंट आर्ट ठीक है वेरी गुड मैक्सिमम स्टूडेंट का आंसर बिल्कुल सही है दैट इज पेंट पेंट आर्ट आर्ट नाम का कोई भी जो है आपका प्रोग्राम नहीं होता एम एस ऑफिस में बाकी क्लिप आर्ट होता है वर्ड आर्ट भी होता है और ऑफिस आर्ट भी जो है कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा राइट right? चलिए बहुत अच्छे ओके सो वी आर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन इंस्ट्रक्शन एंड मेमरी एड्रेस इन कंप्यूटर फील्ड आर रिप्रेजेंटेड बाय जो इंस्ट्रक्शन होती हैं और जो मेमोरी एड्रेस होता है कंप्यूटर फील्ड के अंदर उसको कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है इंस्ट्रक्शन और मेमोरी एड्रेस को करेक्टर कोड के साथ बाइनरी कोड के साथ बाइनरी वर्ड के साथ या फिर पैरिटी बिट के साथ किसके थ्रू जो है हम उसको स्पेसिफाई करते हैं कंप्यूटर के अंदर इंस्ट्रक्शंस और मेमोरी एड्रेस को तो इंस्ट्रक्शंस कैसे जो है हम स्पेसिफाई करते हैं किस जो है वे में करते हैं जल्दी से आंसर देने की कोशिश करेंगे ओके सो मैक्सिमम स्टूडेंट का आंसर आ रहा है बाइनरी कोड वेरी गुड सभी का आंसर सही है बाइनरी कोड में जीरो में जो है हम यहाँ पे इंस्ट्रक्शन एंड मेमोरी एड्रेस को जो है कंप्यूटर फील्ड में रिप्रेजेंट करते हैं चलिए अगला क्वेश्चन है एन ऑप्टिकल माउस यूज ऑप्टिकल जो माउस होता है जो आज के समय में आप मैक्सिमम यूज करते हैं उसमें क्या होता है इंफ्रारेड लाइट होती है लाइट एमिटिंग डायोड होता है जिसको हम एलईडी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में या फिर सेंसर लगा होता है या फिर माइक्रोवेव जो है रेज होती हैं उसके अंदर तो एक ऑप्टिकल माउस में क्या चीजें पाई जाती हैं कौन सी चीज होती है उसके अंदर जल्दी से इसका आंसर दीजिए आप ये सारे क्वेश्चन जो है ये एचपीएससी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं ये चाहे वो कंप्यूटर ऑपरेटर का हो जीओ का हो या फिर उससे रिलेटेड और भी जो एग्जाम्स होते हैं ओके सो मैक्सिमम स्टूडेंट सेइंग लाइट

ये तो दोनों खैर है ही नहीं आपने बताना है इनपुट है या फिर आउटपुट है वेरी सिंपल क्वेश्चन और जो है पूछा जाता है कहाँ कहीं कहीं पे आपको इनपुट आउटपुट दो, दोनों देखने को मिलते हैं लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा वो आपको बताना है जल्दी से ओके okay. सो मैक्सिमम स्टूडेंट आर सेइंग इनपुट डिवाइस कुछ आउटपुट भी बता रहे हैं बीच में याद रखिए गाइज ये एक इनपुट डिवाइस है डिजिटल कैमरा एक इनपुट डिवाइस होती है ठीक है जी इनपुट डिवाइस है नॉट ए आउटपुट आप फोटो खींचते हैं तो वो इनपुट है ठीक है तो इनपुट डिवाइस है वो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे डेजी व्हील प्रिंटर जो है इज अ टाइप ऑफ किस टाइप का प्रिंटर है मैट्रिक्स प्रिंटर है इंपैक्ट प्रिंटर में आता है लेजर प्रिंटर है मैनुअल प्रिंटर है लेजर तो है ही नहीं ये तो जो है आप एलिमिनेट कर दीजिए बाकी तीन में आपने देखना है कि मैट्रिक्स है इंपैक्ट है या फिर मैनुअल प्रिंटर है डेजी व्हील प्रिंटर दोस्तों लाइक करने के लिए बोलना ना पड़े आप खुद ही वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर ये जो भी वीडियो देखते हैं जो भी ज्वाइन करते हैं एटलीस्ट ठीक है राइट ओके सो मैक्सिमम स्टूडेंट का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है दैट इज इंपैक्ट प्रिंटर ठीक है इंपैक्ट प्रिंटर होता है जिसमें आपकी पिन जो है जो स्ट्राइक करती है ठीक है जी इंपैक्ट क्रिएट करती है वो आपका इंपैक्ट प्रिंटर होता है जिसमें जो है फिजिकल टच होता है वहां पे राइट चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू प्रोड्यूस ग्राफिक आउटपुट्स तो ग्राफिक आउटपुट्स को प्रोड्यूस करने के लिए इनमें से किसका इस्तेमाल किया जाता है प्लॉटर का वीडियो का मैग्नेटिक टेप का या फिर मैग्नेटिक डिस्क का वेरी सिंपल क्वेश्चन ग्राफिक आउटपुट्स के लिए जो है हम किसका इस्तेमाल करते हैं यस इट इट ट्राइक ऑन पेपर नवीन जी रितुल का आंसर आया सबसे पहले प्लॉटर और बाकी स्टूडेंट ने भी मैक्सिमम ने प्लॉटर ही दिया है वेरी गुड प्लॉटर जो है एच जो है आपकी आउटपुट देता है ग्राफिक्स अगर आपने हाई डेफिनेशन में निकालने हैं तो आप जो है यहाँ पे किसका इस्तेमाल करते हैं प्लॉटर का इस्तेमाल करते हैं है, है ना चलिए बहुत अच्छे चलो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे कॉन्टीन्यूस लाइन ड्राइंग आर प्रोड्यूस्ड यूजिंग तो कॉन्टीन्यूस लाइन जो है वो कैसे प्रोड्यूस की जाती हैं किस टाइप के प्रिंटर के थ्रू प्रोड्यूस की जाती हैं चेन प्रिंटर्स के थ्रू डेजी व्हील प्रिंटर के थ्रू प्लॉटर्स के थ्रू या फिर थर्मल डिवाइसेस के थ्रू कॉन्टीन्यूस लॉइंस जो हैं लाइन्स जो हैं ये आप कैसे जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं किस टाइप का जो है आपको यहाँ पे यूज करना है किस टाइप की चीज को यूज करना है सचिन का आंसर आ गया है ओके okay, कल्पना जी आपने आंसर दिया था सॉरी मेरे वो जो है कमेंट सेक्शन काफ़ी तेज ऊपर जाता है ना इसलिए तो आपका आंसर देखा नहीं ठीक है कोई बात नहीं चलिए तो आंसर बिल्कुल सही है मैक्सिमम स्टूडेंट का प्लॉटर विल बी द राइट आंसर नॉट चेन प्रिंटर याद रखिए कॉन्टीन्यूस लाइन ड्राइंग का जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपका आंसर क्या होगा प्लॉटर प्लॉटर का इस्तेमाल होता है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टेक्नोलॉजी इज यूज्ड फॉर फ्लैट पैनल डिस्प्लेज तो फ्लैट पैनल डिस्प्लेज में जो है कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जाती है प्लाज्मा एंड एलसीडी या फिर आरजीबी या मोनिटर वी एल एस आई दैट इज वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट जो होते हैं या फिर डायरेक्ट व्यू स्टोरेज ट्यूब फ्लैट पैनल डिस्प्लेस में किसका यूज होता है प्लाज्मा एंड एलसीडी का यूज होता है या फिर आर मॉनिटर का या फिर वीएलएसआई या फिर डायरेक्ट व्यू स्टोरेज ट्यूब का इस्तेमाल होता है जल्दी से आंसर बताएंगे ओके राइट मैक्सिम स्टूडेंट का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है प्लाज्मा और एलसीडी है ना प्लाज्मा और एलसीडी का इस्तेमाल होगा फ्लैट पैनल डिस्प्ले के अंदर एलसीडी का फॉर्म क्या होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जो है एलसीडी का फुल फॉर्म होता है तो इन दोनों का यूज फ्लैट पैनल में होता है राइट right. चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म्ड एज कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइस तो इनमें से आपको बताना है कौन सा कॉम्बिनेशन है इनपुट आउटपुट डिवाइस का वीडीटी कीबोर्ड प्रिंटर लेजर जेट प्रिंटर वीडीटी क्या है विजुअल डिस्प्ले यूनिट विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल तो इनपुट आउटपुट डिवाइस दोनों हम कहे कह सकते हैं इसको यह आपने बताना है ओके okay, तो आंसर आने लगा है वेरी गुड वीडीटी 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 ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द राइट आंसर सभी का आंसर जो है यहां पे सही आ रहा है 57 स्टूडेंट देख रहे हैं और लाइक like सिर्फ 40 है यहां पे। चलिए ओके okay, तो वीडीटी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट विल बी द राइट आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट इंपैक्ट प्रिंटर सबसे फास्टेस्ट इंपैक्ट प्रिंटर इनमें से कौन सा है बैंड प्रिंटर चेन प्रिंटर ड्रम प्रिंटर वायर मैट्रिक्स प्रिंटर सबसे फास्टेस्ट इंपैक्ट प्रिंटर को आपको यहां पे बताना है बैंड प्रिंटर चेन ड्रम वायर मैट्रिक्स इसका आंसर देने की कोशिश करें जल्दी से कार्तिक का आंसर आया सबसे पहले चेन मोहित का आंसर आ गया है चेन नवीन रो, आ, रोहित अतुल ऋतुल विशाल राजीव सचिन तनु सैंडी तान्या नवीन साहिल भावना वर्तिका सुनील नमन हीरा वेरी गुड मैक्सिमम स्टूडेंट का आंसर बिल्कुल सही है दोस्तों दैट विल बी चेन प्रिंटर ठीक है याद रखना फास्टेस्ट इंपैक्ट प्रिंटर जो है आपका कौन सा है वो है आपका चेन प्रिंटर ठीक है जी राइट ऑप्शन बी इज द राइट आंसर अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे देखो रेजोल्यूशन ऑफ लेजर प्रिंटर इज स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ तो रेजोल्यूशन जो होता है लेजर प्रिंटर का वो हम कैसे मापते हैं उसकी यूनिट क्या है ये हमने पहले भी बात करी थी डी पी आई एल पी एम सी पी एम पी पी एम तो ऑब्वियसली हम डीपीआई में नापते हैं डॉट्स पर इंच में ठीक है डॉट्स पर इंच में जो है हम इसका रेजोल्यूशन मापते हैं अगले क्वेश्चन पे चलेंगे प्लॉटर प्रिंट प्लॉटर जो है कैसे प्रिंट करता है विद बाल पॉइंट पेन के साथ विद इंक पेन के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिकली या फिर ऑल ऑफ दिस राइट डॉट्स पर इंच जो है आपका सही आंसर है पीपीएम नहीं होगा पेजेस पर मिनट जो है उसकी स्पीड होती है एक प्रिंटर की ठीक है चलिए प्लॉटर कैसे प्रिंट करता है देखिए इसका आंसर जो होगा मैं आपको बता दूं इसका आंसर जो है रह, रोहित ने बता दिया साहिल ने बता दिया मैक्सिमम स्टूडेंट का आई होप सही आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज ठीक है तो इन सभी तरीकों के साथ जो है प्लॉटर जो है वो प्रिंट uh, करता है राइट right? चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं विच प्रिंटर इज वेरी कॉमनली यूज फॉर डेस्कटॉप पब्लिशिंग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा प्रिंटर जो है हम डेस्कटॉप पब्लिशिंग में यूज करते हैं और ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट होता है एग्जाम में आपको रट गया होगा अगर आपने एक बार भी इसे देखा है पढ़ा है कहीं पे ठीक है जी तो इसका आंसर आपने बताना है डेस्कटॉप पब्लिशिंग में कौन सा कंप्यूटर यू सॉरी प्रिंटर यूज होता है कार्तिक आंसर आया सबसे पहले दैट इज लेजर रोहित का इंकजेट प्रिया ए बता रही हैं संदीप वर्तिका राजीव सुनील ओके राइट अच्छा है आप सो आप सभी लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं क्वेश्चन को हाँ जी बिल्कुल सही मैक्सिमम स्टूडेंट का आंसर बिल्कुल सही है दैट इज लेजर प्रिंटर जो है एज ए डेस्कटॉप डेस्कटॉप पब्लिशिंग में इस्तेमाल होता है याद रखिए ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर है ठीक है जी चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी हार्ड कॉपी इन कलर यू वुड यूज एन देखो हाई क्वालिटी की चीज कोई भी प्रोड्यूस करनी है तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं प्लॉटर का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहां पे? प्लॉटर ठीक है प्लॉटर इसका सही आंसर हो जाएगा राइट चलिए गाइज अगले क्वेश्चन पे चलेंगे यूएसबी पोर्ट कम्स अंडर तो यूएसबी यूनियर यूनिवर्सल सीरियल बस जो होता है ये पोर्ट किसके अंडर आता है सीरियल पोर्ट के पैरेलल पोर्ट के इंफ्रारेड के या फिर फायरवायर पोर्ट के अंदर आता है आंसर देने की जल्दी से कोशिश करिए यूएसबी पोर्ट किसके अंडर अंदर आता है रोहित का आंसर आया सबसे पहले सीरियल अतुल भी सीरियल बता रहे हैं हाँ जी सभी का आंसर सही आएगा आई नो वेरी गुड सीरियल पोर्ट के अंदर आता है ठीक है ऑप्शन फर्स्ट विल बी राइट आंसर हेयर। चलो अगला क्वेश्चन देखो अब ईपी रोम इज जनरली रेज बाय यूजिंग तो ये जो पी रोम है सबसे पहले इसका आपने मुझे फुल फॉर्म बताना है ठीक है रोम का तो सबको पता है ईपी का आपको फुल फॉर्म लिखना है ठीक है एटलीस्ट ईपी का फुल फॉर्म लिख लो उसके बाद मैं बताता हूं जनरली इरेस्ड किसके थ्रू होता है हाँ जी नाम में ही आंसर है बिल्कुल अल्ट्रा अच्छा कल्पना जी आपने आंसर दिया मुझे उनका जो है सबसे पहले कमेंट मिला शायद आपने जब एंटर किया तो मेरे तक जो है वो बाद में पहुंचा है ठीक है सो so, कोई बात नहीं सभी ने आंसर सही दिया है ये जो है मैटर करता है तो आंसर क्या होगा अल्ट्रा वलेट रेज ठीक है राइट right. इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमरी अगर डबल ही होता तो आपका आंसर क्या हो जाता वहां पे इलेक्ट्रिकली इेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमरी चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे कैशे मेमोरी एक्ट बिटवीन कैशे मेमोरी किन दो के बीच में काम करती है सीपीयू और रैम के बीच में रैम और रोम के बीच में सीपीयू और हार्ड डिस्क के बीच में या फिर ऑल ऑफ दीज कैशे मेमोरी आपने काफी बार पढ़ा है इसके बारे में और ये किस किन दोनों के बीच में जो है एज ए बफर का काम करती है हम बोलते हैं बफर का काम करती है ये एक इन दो चीजों में वो दो चीजें क्या है हाँ जी फुल फॉर्म सभी की बिल्कुल सही है सभी ने सही लिखी है ठीक है जी चलो हाँ जी आंसर काफी तेजी से आ रहे हैं अब सीपी और रैम सभी का आंसर बिल्कुल सही है ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और रैंडम असेस मेमोरी के बीच में जो है यहां पे ये काम करती है ठीक है वेरी गुड सभी का आंसर बिल्कुल सही है नेक्स्ट क्वेश्चन पे अभी हम चलेंगे अगला क्वेश्चन देखो आप थ्री बिट बाइनरी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय तो तीन बिट का जो बाइनरी नंबर होता है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाइनरी नंबर्स में डेसिमल नंबर्स में हेक्साडेसिमल में या फिर ऑक्टल नंबर में थ्री बिट बाइनरी नंबर को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे ओके राइट मैक्सिमम स्टूडेंट का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है दैट इज ऑक्टल ठीक है वेरी गुड वेरी गुड ऑक्टल जो है आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ठीक है थ्री बिट बाइनरी नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ऑक्टल में ठीक है जीरो से लेके आपके सेवन तक जो है आपके क्या है ऑक्टल नंबर और निकालना आई होप आपको आता है ठीक है बाइंड्री कैसे निकालते हैं डेसिमल ऑक्टल और हैक्सा तीनों चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए ठीक है कैसे निकालते हैं हो सकता है आपको एक क्वेश्चन पूछा जाए इससे ज्यादा क्वेश्चन आएगा नहीं ठीक है चलो द बाइनरी बीसीडी जो होता है binary coded decimal, वो कितना bits use करता है थर्टी टू बिट्स जल्दी से आंसर देने की कोशिश करिए बाइनरी कोडेड डेसिमल को, कितने बिट्स यूज करता है रोहित सिक्सटीन बता रहे हैं साहिल ऑप्शन ए सुनील कल्पना सुनील चार बिट कल्पना बिट बता रही हैं, अखिल बिट्स, नवीन साहिल, अतुल भूपेंद्र ममता मोहित नवीन सैंडी ओके सो मिक्स आंसर आ रहे हैं ठीक है थोड़ा सा कंफ्यूजन है बच्चों के मन में अभी देखो चार बिट का होता है याद रख लेना है अपने बीसीडी जो होता है फोर बिट्स यूज करता है ओके जी फोर बिट्स यूज करता है याद रखिएगा। टेक्स्ट टेक्स्ट एडिटर इज एन जो एडिटर होता है वो क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है या फिर बहुत ए एंड बी होता है यानी कि एप्लीकेशन एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर तो टेक्स्ट एडिटर किस टाइप का जो है सॉफ्टवेयर होता है ये आपने यहां पे आंसर बताना है टेक्स्ट एडिटर किस टाइप का सॉफ्टवेयर होता है मोहित का आंसर आया डी फिर मॉडर्न कार्तिक सचिन साहिल शेम, आ, कल्पना भावना सुनील गुड देखो यहां पे भी कंफ्यूजन है आपके मन में देखो टेक्स्ट एडिटर जो है ना ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आता है याद रखिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आता है नॉट ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इट इज नॉट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ठीक है टेक्स्ट एडिटर जो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है ठीक है चलो अगला क्वेश्चन देखो विच ऑफ द फॉलोइंग विंडोजिलाइज यूटिलिटीज विल इरेज अनवाइटेड फाइल्स तो ये भी एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जो कि अनवांटेड फाइल जो होती हैं आपके कंप्यूटर के अंदर उनको इरेज करता है कौन सा यूज होगा नाम से पता चल रहा है ना बैकअप और रिस्टोर विजार्ड डिस्क क्लीन अप डिस्क डी फ्रेगमेंटेड डी या फिर ऑल ऑफ द ऑल ऑफ दीज हाँ जी एंटीवायरस भी आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आता है अच्छा ऑप्शन यहां पे कुछ डी डिस्क फ्रेगमेंट भी बता रहे हैं डिस्क डी क्लीनअप बता रहे हैं ओके ऑल ऑफ दिस भी आ रहा है कुछ का आंसर दोस्तों आंसर जो होगा वो होगा डिस्क क्लीनअप जिसका भी आंसर डिस्क क्लीनअप है वो सही है नाम से पता चल रहा है ना अनवांटेड फाइल्स कौन रिमूव करेगा डिस्क क्लीनअप जब आप करेंगे वो जो है वहां से रिमूव करता है राइट चलिए कोई बात नहीं यहां पे गलत हो जाए कोई दिक्कत की बात नहीं है एग्जामिनेशन में हमने दिक्कत जो है गलत नहीं करना है ठीक है तो जिन स्टूडेंट ने लाइक नहीं किया है अभी तक वीडियो काइंडली वीडियो को लाइक कर दें अपनी ओर से सपोर्ट दिखाएं दोस्तों तब ठीक है तो मैं डेली बेसिस पे जो है आपके लिए वीडियोस लेके आऊँगा लाइक like करने से क्या होता है ना कि लाइक like करने से मैं क्यों बोलता हूं कि वीडियो जो है वो आपका रिकमेंडेशन में जाता है बाकी स्टूडेंट भी देख पाएंगे वीडियोस को ठीक है जब वो रिकमेंडेशन में जाएगा यूट्यूब को पता चलता है कि वीडियो जो है काम का है बच्चों के लिए ठीक है तो काइंडली आप जो है इतना सपोर्ट जो है जरूर रखिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे अब हम डिस्कस करेंगे अगला क्वेश्चन एडोब एक््रोबैट जो है ये किसका एग्जांपल है एडोब एक्बैट माइक्रोसॉफ्ट विंडो है प्रोपेटरी प्रोडक्ट है कोई या फिर लाइनक्स है वेब ब्राउजर है लाइनक्स खैर क्या है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है ठीक है माइक्रोसॉफ्ट uh, विंडो भी आपका क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ये दोनों तो होंगे नहीं बचा आपका बी और डी ऑप्शन वेब ब्राउज़र है या फिर एक प्रोपेटरी प्रोडक्ट है और प्रोपेटरी प्रोडक्ट क्या होता है कार्तिक आ, कार्तिक त्रिलोक ममता सुमित हीरा सपना सुनील राइट right. सभी का आंसर जो है बिल्कुल सही है ठीक है ना ठीक है तो ये ऑन्ड बाय एडोब जो कंपनी है उसके द्वारा जो है ऑन किया गया है ऐसे तो फ्री टू यूज है लेकिन जो है इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यही कंपनी करेगी राइट और पब्लिशर और डिस्ट्रीब्यूटर जो है कम, जो है वो है आपकी अडोप्ट कंपनी ठीक है जी लेकिन आप इसको फ्रीली यूज कर सकते हैं चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम रिसाइड इन विच पार्ट ऑफ मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम कहां पे होता है आपका हार्ड डिस्क में रैम रोम या फिर कैश मेमोरी के अंदर बिल्कुल इट्स ए क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर होता है कंपनी बेस्ड है ठीक है फ्री टू यूज है लेकिन जो हम बोल सकते हैं कि जो लाइसेंस है वो एक पर्टिकुलर कंपनी के पास ही रहेगा वही जो है इसको सेल कर सकते हैं राइट कल्पना बता रही है रैम ओके रोहित रोम नवीन हार्ड डिस्क बता रहे हैं ममता हार्ड डिस्क सुनील हार्ड डिस्क रोम भी बता रहे हैं कुछ बच्चे कुछ रैम दोस्तों आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो आपका हार्ड डिस्क में होता है हार्ड डिस्क में पड़ा होता है जब आप चलाते हो फिर वो रैम में जाता है समझे ऐसे आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल करते हो वो कहाँ जाता है वो आपका हार्ड डिस्क में तो जाता है जो सी ड्राइव होती है आपकी सी ड्राइव जो बनती है वहीं पर तो जो है वो उसकी फाइल स्टोर होती हैं राइट right? ठीक है जी तो कन्फ्यूज मत होना पढ़ पड़ा हुआ होता है कहाँ पर हार्ड डिस्क के अंदर सी ड्राइव में मेनली अगर हम और ड्राइव में भी इंस्टॉल कर सकते हैं लेकिन नॉर्मली अगर आप बाय डिफॉल्ट करेंगे तो सी ड्राइव में जाता है और रैम में आता है जब आप उसको इनिशिएट करते हैं जो लैपटॉप है कंप्यूटर है उसको बूट करते हैं ठीक है जी और वार्म एंड कोल्ड बूट जो है आई होप आपको पता ही होगा इतना तो आप जानते ही हैं अब आपने कितने एग्जाम दे दिए होंगे ठीक है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे अब हम चलेंगे राइट चलो अगला क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम कैन नॉट बी वर्कड एज ए तो ऑपरेटिंग सिस्टम को हम कैसे यूज नहीं कर सकते एज ए प्रोसेसर मैनेजर डिवाइस मैनेजर मेमोरी मैनेजर या फिर कम्युनिकेशन मैनेजर कैन नॉट पूछा गया है कि हम इसको इस तौर पे काम में नहीं ला सकते हैं तो प्रोसेसर मैनेजर डिवाइस मैनेजर मेमोरी मैनेजर या फिर कम्युनिकेशन मैनेजर इस, 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 इस है ठीक है जल्दी से इसका आंसर देने की कोशिश करिए रोहित का आ गया आंसर कम्युनिकेशन मैनेजर नवीन फर्स्ट बता रहे हैं कुछ डी ऑप्शन कम्युनिकेशन मैनेजर मैक्सिमम स्टूडेंट का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है दैट इज कम्युनिकेशन मैनेजर ठीक है वेरी गुड सभी का आंसर सही है कम्युनिकेशन मैनेजर जो है इसका सही आंसर होगा प्रोसेसर को मैनेज करता है डिवाइस मैनेजर भी कहलाता है मेमोरी मेमोरी को भी मैनेज करता है लेकिन कम्युनिकेशन जो है मैनेजर का काम ये नहीं करता है ठीक है जी चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं अब हम अ फ्रंट एंड प्रोसेसर इज यूज इन जो फ्रंट एंड प्रोसेसर होता है वो किसमें यूज होता है मल्टी प्रोग्रामिंग में वर्चुअल स्टोरेज में टाइम शेयरिंग में मल्टी प्रोसेसिंग में किसमें यूज होता है इसका आंसर देने की आप कोशिश करिए मल्टी प्रोग्रामिंग वर्चुअल स्टोरेज टाइम शेयरिंग मल्टी प्रोसेसिंग दोस्तों आंसर होगा वेरी गुड जिसने भी टाइम शेयरिंग आंसर दिया है उनका आंसर सही है ठीक है फ्रंट एंड प्रोसेसर टाइम शेयरिंग कंप्यूटर्स में यूज होता है अगले क्वेश्चन पर चलेंगे यूनिक्स इज यूनिक्स क्या है एक मल्टी यूजर सिस्टम है रियल टाइम सिस्टम है मल्टी टास्किंग सिस्टम है या फिर बहुत ए एंड बी दैट इज मल्टी यूजर एंड रियल टाइम सिस्टम आंसर देने की कोशिश करेंगे ए एंड बी बता रहे हैं लेकिन देखिए इस क्वेश्चन में आई थिंक गड़बड़ है क्योंकि मल्टी भी होता है कहीं ना कहीं ठीक है मल्टी यूजर रियल टाइम होता है और मल्टी टास्किंग भी कहीं ना कहीं होता है लेकिन यहां पे सबसे सुटेबल आंसर जो होगा अगर बोथ ए एंड बी दिया है तो बोथ ए एंड बी ही होगा ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा राइट right? चलो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे पेज मेकर सॉफ्टवेयर इज रिलेटेड टू विच ऑपरेटिंग सिस्टम पेज मेकर सॉफ्टवेयर है यह किस ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड है डोस से यूनिक्स विंडोज या फिर ऑल ऑफ दीज पेज मेकर सॉफ्टवेयर पेज मेकर सॉफ्टवेयर इनमें से किस ऑपरेटिंग सिस्टम में चलेगा हां जी मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग रितुल का आंसर आया विंडोज सबसे पहले रितुल का आंसर आया दैट इज विंडोज मैक्सिमम स्टूडेंट विंडोज दे रहे हैं राइट सभी का आंसर सही है गाइज आंसर विल बी विंडोज तो पेज मेकर सॉफ्टवेयर जो है आप विंडोज में यूज करते हैं अगला क्वेश्चन देखो विच ऑफ द फॉलोइंग वर्जन ऑफ एंड्रॉइड आर आल्सो कॉल्ड हनी तो कौन सा ऐसा एंड्रॉयड का वर्जन आया था जिसको हम हनी भी कहते थे ठीक है तो एंड्रॉयड के जो भी वर्जन आता है उनका कुछ ना कुछ जो है नाम दिया गया होता है तो हनी नाम का जो है एक एंड्रॉइड आया था सिस्टम वर्जन आया था तो वो की, कौन सा जो है वर्जन था 1.5 3.0 2.3 4.0 पॉइंट ओ टू पॉइंट हनी गुड इवनिंग आर, भारद्वाज जी गुड इवनिंग नवीन का आंसर आया कार्तिक का आंसर आया सबसे पहले दैट इज 3.0 नवीन थ्री पॉइंट ओ थ्री पॉइंट ओ मिक्स आंसर आ रहे हैं सभी के चलिए बहुत अच्छे थ्री पॉइंट ओ जो है मैक्सिमम स्टूडेंट का आंसर बिल्कुल सही है हनी कॉम जो है थ्री पॉइंट ओ एंड्रॉयड सिस्टम को कहा गया था ठीक है तो एक बार आपने क्या करना है लिस्ट देख लेना ठीक है नेट पे जाना ब्राउजर पे और सारी लिस्ट चेक कर लेना कौन कौन से एंड्रॉयड सिस्टम अभी तक आए हैं और लेटेस्ट कौन सा है और उनके नाम जो है एक बार गो थ्रू कर लेना जरूरी नहीं है आपको क्वेश्चन पूछा जाए एम एस डोस इज यूजली पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है ठीक है पुराना सिस्टम है तो वो क्या हार्ड डिस्क में कार्टेज टेप में या फिर सीडी रोम या फिर फ्लॉपी डिस्क में जो है वहां पर डाला जाता था सप्लाई किया जाता था hmm. ओके हार्ड डिस्क बता रहे हैं कार्तिक ऑप्शन डी मोहित बता रहे हैं नवीन फ्लॉपी में बता रहे हैं कुछ सी डी रोम भी आ रहा है आंसर ओके सो मैक्सिमम स्टूडेंट का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है जो कि है आपका क्या फ्लॉपी डिस्क तो उस समय फ्लॉपी डिस्क का यूज हुआ करता था पुरानी बात है ये ठीक है जी तब हार्ड डिस्क नहीं थे तो फ्लॉपी डिस्क में जो है एमएस डोस का ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपको देखने को मिलेगा ठीक है चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अ स्यूडो कोड इज स्यूडो कोड क्या होता है एक मशीन लेवल कोड होता है रैंडम नंबर होता है कोई फ्लो चार्ट को बोलते हैं या फिर एक स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश जो है हम लैंग्वेज यूज करते हैं टू कम्युनिकेट द लॉजिक ऑफ ए प्रोग्राम ठीक है स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश होती है जो कि जो लॉजिक होता है आपके प्रोग्राम का उससे कम्युनिकेशन में जो है हम यूज करते हैं मतलब एक लॉजिक है प्रोग्राम का ठीक है सो इसका सही आंसर क्या होगा सामने आंसर है बिल्कुल सही ऑप्शन काफी सिंपल दिए हैं यहां पे जेम्स टी टसल रसल के द्वारा जो है फ्लॉपी डिस्क को इन्वेंट किया गया था गुड हाँ जी स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश है टू कम्युनिकेट लॉजिक ऑफ ए प्रोग्राम ऑप्शन ये जो है आपका लास्ट वाला सही आंसर हो जाएगा ठीक है राइट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अब प्रोग्राम रिटर्न इन मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड एक प्रोग्राम जो कि मशीन लैंग्वेज में लिखा जाता है उसको हम एक और नाम से जानते हैं वो कौन क्या नाम है असेंबलर है ऑब्जेक्ट कोड है कंप्यूटर है या फिर मशीन जो है कोड है मशीन कोड मशीन लैंग्वेज में जो लिखा जाता है उसको हम एक और नाम से जानते हैं जल्दी से आई होप इसका आंसर आपको पता होगा आंसर बताने की कोशिश करिए दोस्तों हाँ जी स्यूडो कोन कोड मीन्स ब्लू प्रिंट ऑफ ए प्रोग्राम ओके ऑब्जेक्ट कोड ऑब्जेक्ट कोड ऑब्जेक्ट असेंबलर भी बता रहे हैं बीच में राइट सभी स्टूडेंट का मैक्सिम का आंसर बिल्कुल सही है दैट इज ऑब्जेक्ट कोड ऑब्जेक्ट कोड इसका सही आंसर होगा ठीक है चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है मशीन इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट आजाद ठीक है मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम इनमें से कौन सा है हाई लेवल लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज या फिर नन ऑफ दीस मशीन इंडिपेंडेंट है हाई लेवल होगी लो होगी असेंबली होगी या फिर नन ऑफ दीज होगा आंसर बताने की कोशिश करिए जल्दी से राम राम जी राम राम हाँ जी बिल्कुल लो लेवल नहीं होगा कंफ्यूजन है कुछ स्टूडेंट्स को लेकिन मैक्सिमम का आंसर बिल्कुल सही है हाई लेवल लैंग्वेज जो होती हैं वो मशीन इंडिपेंडेंट होती हैं और जो आपकी लो लेवल लैंग्वेज होती हैं वो आपकी मशीन डिपेंडेंट होती हैं दोस्तों वो उसी मशीन में रन करेंगे जिसमें आपने उसको बनाया है उसको ठीक है उसका कोड लिखा है या फिर राइट सो हाई लेवल लैंग्वेज आप किस प्रोग्राम बनाइए और किसी भी कंप्यूटर में आप उसे रन कर सकते हैं राइट right? चलो लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज द एरर्स दैट कैन बी पॉइंटेड आउट बाय द कंपाइलर आर नोन एज ऐसे एरर जो कि कंपाइलर पॉइंट आउट करता है कंपाइलर से हमें पता चलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं सिंटेक्स एरर होते हैं या सिमेंटिक्स एरर होते हैं लॉजिकल एरर होते हैं या फिर इंटरनल एरर्स होते हैं जो कंपाइलर के थ्रू जो है हम पॉइंट आउट करते हैं दोस्तों राइट मैक्सिमम स्टूडेंट का आंसर सिंटेक्स एरर आ रहा है बिल्कुल ठीक है तो कीवर्ड आपने पकड़ लेना है कंपाइलर की जब भी बात होगी इंटरप्रेटर की बात होगी ठीक है तो आपका आंसर जो है सिंटेक्स एरर होगा ये सिंटेक्स के एरर्स को चेक करता है ऑप्शन फर्स्ट विल बी द राइट आंसर है ठीक है तो दोस्तों आज के क्वेश्चंस इतने ही थे और फिर से हम जो है कल शाम को सात बजे फिर से जुड़ेंगे और मैं एक बात बता दूं आपको कि आपने प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है कंप्यूटर आपका गेम चेंजर है बाकी भी आपने तैयारी रखनी है जो जी सेक्शन है आपका जनरल स्टडीज का उसको भी आपने पढ़ना है और साथ ही साथ जीएस के लिए मैंने अभी कोर्स जो है एक नया लॉन्च करूंगा जो कि 11 जनवरी से स्टार्ट होगा एंड uh, उसमें मैं आपको सारे जी के टॉपिक जो है पॉलिटी जोग्राफी हिस्ट्री है इकोनॉमिक्स है एंड हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज है इन टॉपिक्स को जो है हम वहाँ पर कवर करेंगे थॉरली जिससे आपका सब इंस्पेक्टर लेवल तक का एग्ज़ाम जो है वो आपका क्लियर हो जाए ठीक है सो so, उसको हम करेंगे राइट तो चलिए इस लेक्चर को करते हैं क्लोज मिलते हैं कल सेम टाइम पे राइट और अपने कंटिन्यूटी बना के रखनी है अपनी ठीक है पॉलिटी काफी कम आएगी जीओए में तो कम आएगी आपकी पॉलिटी ठीक है चार पांच क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा चार क्वेश्चन राइट मीडियम रहेगा आपका इंग्लिश में ठीक है इंग्लिश में रहेगा मैं लिखाऊंगा सब कुछ जो है जो भी चीजें रहेंगी वो इंग्लिश में ही रहेंगी इंग्लिश मीडियम रहेगा वहां पे ठीक है लेकिन हम बात तो हिंदी में ही करेंगे तो दोनों के लिए जो है वहां पे इंपॉर्टेंट रहेगा टॉपिक वाइज भी लेके आऊंगा ठीक है लेकिन देखो एग्जाम में आपको टॉपिक वाइज नहीं मिलेगा टाइप एग्जाम में आपको रेंडमली क्वेश्चन मिल जाएंगे किसी न किसी टॉपिक्स में से तो उसमें आपका क्या होता है ना ब्रेन स्विच करना होता है जल्दी से जल्दी ठीक है तो यहां पे अगर आप उस लेवल की प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी एग्जाम में बैठ के ठीक है इसको एज ए एग्जामिनेशन आपने ट्रीट करना है कि यार मेरे सामने ये एक, एक रैंडम क्वेश्चन आ गया है और मैं इसके साथ कैसे डील करूंगा ठीक है तो इस हिसाब से आपने करना है हिस्ट्री के आपके जो है एट फाइव से लेके एट क्वेश्चन बन सकते हैं एट क्वेश्चन तक जो है आपके हिस्ट्री हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा हिस्ट्री पे भी मेरे पास रिकॉर्डेड बैच पड़ा है अगर आपको चाहिए तो आप वो परचेज कर सकते हैं ठीक है बाकी फ्रेश बैच मैं ग्यारह जनवरी से लूंगा ओके तो चलिए कल मिलते हैं सेम टाइम पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद बाय बाय गुड नाइट टेक केयर